भारत में 26 करोड़ जनसंख्या 5 से 16 वर्ष के बीच बच्चों की है। इस संख्या में 25 मिलियन लड़के और लड़कियां अशिक्षित हैं। जो शिक्षित हैं उनमें से 71% बच्चे सरकारी स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। अशिक्षा पूरे भारतवर्ष की समस्या है। अब देखते हैं दिल्ली में लोग कैसे योगदान दे रहे हैं और भारतवर्ष में लोग कैसे प्रोत्साहन ले रहे हैं। ऐसे ही बहुत सी संस्थाएं बच्चों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रही हैं और आगे बढ़कर आ रही हैं। एक संस्था है बसंत चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि 13 वर्षों से अपने स्कूल प्रगति व्हील द्वारा शिक्षा प्रदान करने का काम कर रही है और यह स्कूल श्री रमन खन्ना ने स्थापित किया था। हमने स्कूल उचित सोच के नहीं शुरू किया था। हम यमुना खादर में एक अक्षरधाम और ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज है इसके खिलाफ हमने एक एजिटेशन शुरू किया था। तो जब हम वहाँ जाते थे तो ये छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते थे, खाली घूमते थे, तो बस ऐसे ही इनफॉर्मली इनको बिठा के पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन वो रिस्पॉन्स इतना अच्छा था कि 3 महीने के अंदर हमारे पास 60-70 बच्चे आ गए। तो फिर हमने स्टार्टेड, तो उसको हमने फिर फॉर्मल करके क्लासेस बना के शुरू कर दी। ये हमने 2007 में किया। इस स्कूल में ज्यादातर बच्चे किसानों के परिवार से आते हैं, जो कि अक्षरधाम इलाके के आसपास रहते हैं। प्रगति व्हील आम शिक्षा प्रदान करने के अलावा बच्चों को मॉडर्न दुनिया से परिचित और अवगत कराने के लिए कुछ चीजें भी सिखाता है, जैसे रोबोटिक्स, ऑनलाइन क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस इत्यादि। मेरा नाम पिंकी है, मैं LKG क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम प्रवेंदर है, मैं UKG क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा नाम हेमवती है। मेरा नाम विष्णु है, मैं प्री नर्सरी में पढ़ता हूँ। मेरा नाम विकास है, मैं UKG में हूँ। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। मुझे इस स्कूल में पढ़ना अच्छा लगता है। मुझे यहाँ पर आके पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मोस्टली जो जब शुरू किया था ना तो छोटे बच्चे ज़्यादा थे, क्योंकि वही थे जिनको पेरेंट्स गवर्नमेंट स्कूल इतनी दूर भेजना नहीं चाहते थे और उनको ये लगता था कि भाई सड़क पार करनी है प्रॉब्लम है, इसीलिए हमने वहीं पे स्कूल शुरू किया। और ये बच्चे जो हैं ज़्यादातर जो वहाँ पे सब्ज़ी उगाते हैं, जो नर्सरी में इंजन की हैं, ये उनके बच्चे हैं या फिर जो लेबर वहाँ काम करते हैं। हाँ, तो इनके माता पिता कभी स्कूल गए नहीं, तो शुरू शुरू में हमने इनको थोड़ा सा मोटिवेट किया, थोड़ा पीछे पड़े, घर घर जाके बुलाया भी इनको कि आप आओ स्कूल पढ़ो। मैं ये नर्सरी करती हूँ, यहाँ पे 7-8 साल हो गया। यही हमारी रोज़गार है, नर्सरी पौधों की। यहाँ के रोज़गार करती हूँ, नर्सरी मारी है। यहाँ जो है अपने हाथ से पौधे तैयार करते हैं और जो बच्चे हैं स्कूल जाते हैं। मैं खेतों में काम करती हूँ और मेरे बच्चे यहाँ पे स्कूल जाते हैं। एक मेरी बेटी है 7 साल की है, जो यहाँ पे जाती है स्कूल। सब सुविधा अच्छी मिलती है यहाँ पे, बच्चों का पढ़ाई भी अच्छी होती है, सब कुछ फ्री है, कोई चार्ज नहीं करते हैं, जिससे कि पेरेंट्स को ये एक्सक्यूज़ ना मिल जाए कि जी मैं तो ये दे नहीं सकता इसलिए बच्चा स्कूल नहीं आएगा। लेकिन एक बार शुरू शुरू में होता था, स्पेशली लड़कियों को बुलाना पढ़ाना, तो हम इनके झुग्गियों में जाया करते थे, घर घर जाके बुलाते थे कि भाई क्यों नहीं भेजते आप पढ़ने के लिए। शुरू में था ये चैलेंज, लेकिन एक बार स्कूल 6-7 साल हो गए, 5-6 साल हो गए, फिर उन्होंने देखा भी कि कैसी क्वालिटी है टीचिंग की, हमारा पढ़ाई कैसी है, बच्चा क्या सीख रहा है, क्योंकि हम इंग्लिश नर्सरी से पढ़ाते हैं और सारे सब्जेक्ट भी इंग्लिश में पढ़ाते हैं। तो पेरेंट्स के लिए ये एक बड़ी अजीब बात थी कि भैया उनका बच्चा अंग्रेज़ी पढ़ रहा है, लिख रहा है ना, तो उससे भी फ़र्क पड़ा। तो उससे अब क्या है कि अब हमारे पास अब विपरीत स्थिति आ गई है कि हमें मना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। तो हम एक साल में नई जो सेक्शन शुरू करते हैं उसमें 25 बच्चे से ज़्यादा नहीं लेते,
या लड़कियों को हम मना नहीं करते, नहीं करते, गर्ल्स को हम हमेशा रखते हैं, चाहे वो कभी भी आए, जब भी आए, यू ऑलवेज कीप देम, यू ऑलवेज गिव देम एडमिशन। प्रगतिवीर बच्चों को सारा जरूरी सामान जैसे किताबें, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म सब प्रदान करता है, जिससे बच्चों को किसी तरह की असुविधा ना हो। साथ में ये एनजीओ बच्चों के स्वास्थ्य के लिए उन्हें मिड डे मील भी प्रदान करता है, जिससे उनके माता पिता को बच्चों की पढ़ाई के दौरान भोजन की चिंता ना हो। नहीं, हमने कभी मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार हेल्प नहीं करती, क्योंकि हमने कभी अप्रोच नहीं किया। आई बी ऑनेस्ट, हमारा सारा मोस्ट ऑफ द फंडिंग इज इंडिविजुअल डोनर्स हैं, जो हमें टाइम टू टाइम हमें देते रहते हैं। वी हैव अ फेसबुक ग्रुप, वी हैव अबाउट 300-400 मेंबर्स हैं हमारे, जिसमें से और 100 ऑफ देम आर एक्टिव, तो उनका रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। अभी हमारे को थोड़ा CSR फंडिंग मिला है, एक तो गेल इंडिया लिमिटेड, एंड एक स्माइल फाउंडेशन है, उनसे हमें क्या कहते हैं, वी गेटिंग सम न्यूट्रिशन प्रोग्राम, जो हम, क्योंकि हम मिड डे मील के अलावा एक मॉर्निंग स्नैक भी देते हैं सुबह, एंड दैट स्नैक इज आइदर अ बनाना और मे बी अ बिस्किट और अ समोसा, गर्मियों में छाछ है, लाइक दैट वी डू। हर माता पिता की चाहत होती है कि उनका बच्चा आसमान की ऊंचाइयों को छुए, खुद की विलासिता का त्याग करके अपने बच्चों का हर शौक पूरा करते हैं। भारत में ऐसे लाखों माता पिता हैं जो घर की खराब आर्थिक स्थिति होने के कारण अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान नहीं करा पाते, पर उन बच्चों में कुछ बनने का हौसला जरूर है। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, इलाज करने के लिए। मैं बड़े होकर पुलिस बनूंगा, चोरों को पकड़ूंगा। मैं बड़े होकर आर्मी में जाना चाहता हूँ और मैं देश की रक्षा करूँगा। मैं बड़े होकर टीचर बनना चाहती, मैं अपने जैसे बच्चों को पढ़ा सकूँ। मैं बड़े होकर टीचर बनना चाहती हूँ, क्योंकि टीचर बन के मैं और बच्चों को भी पढ़ा सकती हूँ। प्रगतिवीर उन बच्चों की प्रगति में सहायता करता है जो अपने मौलिक अधिकार से दूर हो रहे हैं। यहाँ काम करते हर शिक्षक के चेहरे पर एक संतुष्टि है और हर बच्चे के चेहरे पर खुशी।